दोस्तों स्वागत है आपका। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने बहुत ही बढ़िया 2-1 से बढ़त बना ली है और अब इस सीरीज का दोस्तों आखिरी मैच यानी चौथा टेस्ट मैच जो है वो 3 जनवरी को खेला जाएगा सिडनी के ग्राउंड में। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा बदलाव हमें यहां पर देखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच की अगर बात करें तो टीम इंडिया ने शानदार तरीके से वो टेस्ट मैच जीता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमें एक बड़ा बदलाव जो है इस मैच में देखने को मिलेगा और वो बदलाव होंगे दोस्तों रोहित शर्मा, जो कि चौथा टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा जो है वो चौथा टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले क्योंकि वो इंडिया वापिस आ चुके हैं। आपको बता दें कि उनको जो है वो बेबी गर्ल हुई है, जिसकी वजह से वो इंडिया वापिस आ चुके हैं और चौथा टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले। तो ये एक बड़ी खबर है। अब बात कर लेते हैं कि क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तो यहाँ पर दोस्तों हनुमा विहारी और मयंक अग्रवाल एक और बार हमें ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले मैच में दोनों ने ही बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी थी टीम इंडिया को। नंबर 3 पर दोस्तों चेतेश्वर पुजारा, नंबर 4 पर विराट कोहली, नंबर 5 पर अजिंक्य रहाणे, नंबर 6 पर ऋषभ पंत। यहां तक तो दोस्तों बिल्कुल सेम हमें दिखाई दे सकते हैं। उनके बाद रोहित शर्मा की जगह पर हमें रविचंद्रन अश्विन जो है वो वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पिछला मैच चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे और इस मैच में हमें वापसी करते हुए दिखाई दे सकते हैं रविचंद्रन अश्विन। उनके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा होंगे। 3 फास्ट बॉलर की अगर बात करें तो ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। दोस्तों सिडनी का जो ग्राउंड है, सिडनी की जो पिच है, वो स्पिनर को ज्यादा मदद करती है। ऐसे में टीम इंडिया 2 स्पिनर के साथ हमें इस मैच में दिखाई दे सकती है और जो 2 स्पिनर होंगे वो होंगे रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। दोस्तों ऐसी कुछ प्लेइंग 11 जो है वो लग रही है टीम इंडिया की हो सकती है चौथे टेस्ट मैच में। और अगर दोस्तों रविचंद्रन अश्विन जो है वो अनअवेलेबल रहते हैं तो ऐसे में हमें हनुमा विहारी जो है वो पीछे दिखाई दे सकते हैं यानी छठे नंबर पर खेलते हुए, और ओपनिंग जो है वो मुरली विजय कर सकते हैं अगर रविचंद्रन अश्विन फिट नहीं होते हैं। लेकिन ज्यादातर चांसेस इसी प्लेइंग 11 के हैं। अब दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं क्या इस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया चौथा टेस्ट मैच यानी पूरी की पूरी सीरीज जीतेगी। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।